परपोती जी, क्या बात है, का इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हैं? आप भाभी जी है ना, आप अंगूरी भाभी जी है ना? हाँ, हम अंगूरी हैं। बोलिए, सही पकड़े हैं? बोलिए। सही पकड़े हैं। यार, थैंक गॉड। क्या हुआ, का इतने परेशान हैं आप? भाभी जी आप बैठिए, मैं आपको इतना सब कुछ समझाता हूँ, बैठिए। आप बताइए। देखिए काहे नहीं बैठते भाभी जी, कुछ कटवा दीजिए इसको थोड़ा सा। एनीवे भाभी जी, मैंने एक बहुत ही गंदा ख्वाब देखा रात को। कहाँ देखा? भाभी जी, मैंने देखा कि हमेशा की तरह मैं दर्शन करने आपके घर आया हूँ। आपके द्वार पे दरवाजा खुलता है और आपकी जगह कोई और औरत खड़ी है। भाभी जी, इससे पूछता हूँ, भाभी जी घर पर हैं? वो कहती नहीं, भाभी जी घर पर नहीं है, वो चली गई है यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। आप अभी काहे रो रहे हैं? भाभी जी, हम आपसे बिछड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारी जान है। क्या बोले? भाभी जी आप हमारी शान है। एक्चुअली मुझे ना बहुत डर लग रहा है भाभी जी, मेरी इसके डर काहे लग रहा है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह का देखा वो सपना सच होता है, कहिए सपना सच ना हो जाए भाभी जी। हाँ भरभूति जी, आपका सपना सच होने वाला है, समझा रहे हैं। भाभी जी आप अपने भरभूति को छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं? भाभी जी हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, एक महीने के लिए जा रहे हैं अम्मा जी के पास। अम्मा जी के पास क्यों? अब वो कहा है ना, सावन महीना आ रहा है ना, तो सावन महीने में हम काम धेनु गाय की पूजा करते हैं। अम्मा जी कहती है वो पूजा करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन वो पूजा यहाँ भी तो हो सकती है भाभी जी। यहाँ नहीं हो सकती। क्यों, why? वो कहा है ना, वो कामधेनु गाय का जो रूप है वो तिलकधारी गाय होती है, उसके माथे पर काला टीका होता है और वो पूरे कानपुर में नहीं है, वो सिर्फ अम्मा जी के गाँव गोकुलपुर में ही है। और भाभी जी अगर मैं वो गाय यहाँ ऑर्गेनाइज कर दूं तो? यहाँ कहाँ से लाएंगे आप? वो आप उसपे छोड़ दीजिए। अब गाय यहाँ कैसे आएगी? अभी जी वो कैसे भी आएगी वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। आपको आपको लड्डू के भैया की कसम। क्या कह रहे हैं आप? ये कहाँ से लाएंगे तिलकधारी गाय? वो पूजा करना बहुत जरूरी है, लड्डू के भैया की कसम डाल दिए। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे सारा देर में जाना, हुआ कुसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे। सोना आ गया भाभी जी। तिवारी जी आप जारी रखिए, भाभी जी जारी रखिए। नहीं नहीं तिवारी जी, मुझे बहुत शर्म आती है। आप शर्माती भी हैं भाभी जी। क्यों तिवारी जी, मुझे शर्माने का हक नहीं है? नहीं नहीं, दरअसल आप एक बेबाक महिला है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट रुकिए। ये आप कैसे चल रहे हैं, झुककर कमजोरों की तरह? हाँ, बूढ़ों की तरह चल रहे हैं आप। आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे पोस्चर ठीक कीजिए अपना, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, कंधा पीछे, छाती निकाल कर कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, चल के दिखाइए मुझे, चलिए तेज तेज चलिए, फास्टर, वन मोर टाइम, फास्टर फास्टर मोर फास्ट, चलिए चलिए सीधे आगे, देखिए सीधे, देखिए सीधे, देखिए आप झुक के देख रहे हैं आप। हाँ तिवारी जी, आप जवानी की उम्र में बुढ़ों की तरह हाँप रहे हैं। क्या करें भाभी जी, कुछ कमजोरी सी आ रही है, वो आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। देखिए तिवारी जी, आपकी कमजोरी का एक ही इलाज है, आपको गाय का शुद्ध दूध पीना चाहिए। अरे शुद्ध दूध कहाँ से पिए भाभी जी, एक लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला होता है। अरे तो डांटिए ना अपने दूध वाले को। अरे हमने कहा कि भाई ये क्या है, पानी क्यों मिलाते हैं, तो कहने लगे कि गर्मी बहुत बढ़ गई है इसलिए गाय भैंसे पानी बहुत पी रही है। देखिए तिवारी जी, आप मेरी बात गांठ बांध कर रख लीजिए, आपको गाय का शुद्ध दूध पीना है और गाय का शुद्ध घी खाना है, बस। उसके बाद देखिए आप कैसे फुर्तीले हो जाएंगे। ठीक है भाभी जी,
आपकी आज्ञा सर आंखों पर। आज से हम गाय का शुद्ध दूध भी पिएंगे और गाय का शुद्ध घी भी खाएंगे। That's like a good guy. अंगूरी, वो तैयारी हो गई क्या? रात 10 बजे की बस है भाई। लड्डू के भैया एक बात कहे। हाँ कहो। वो कहा है ना, हम अम्मा जी के पास नहीं जा रहे हैं। काहे नहीं जा रहे हैं? कहा है कि तिलकधारी गाय हमको कानपुर में ही मिल गई है। कहाँ से मिल गई? स्वर्ग से आई क्या? वो कहा है ना, वो भरभूति जी खरीद रहे हैं हमारे लिए गाय। अरे भरभूति जी में गाय क्या, टॉय तक खरीदने की औकात नहीं है। गाय क्या खाक खरीदेंगे? वो हमको बोले कि भाभी जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए तिलकधारी गाय लाएंगे यहाँ कानपुर में। अच्छे खासे भाभी जी के साथ एक महीना अंगूरी के बिना चैन से गुजारते, लेकिन इस भभूति के बच्चे ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब हम आप ही के साथ रहेंगे, क्या सोच रहे हैं? अंगूरी हमको लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। देखो तुम्हारा जाना बनता है। हम ना ही जा सकते हैं। अरे काहे नहीं जा सकते भाई? वो काहे, भभूति जी ने आपकी कसम दी है। क्या? हाँ, वो बोले कि आप यहाँ से कहीं ना ही जाएंगी, आपको लड्डू के भैया की कसम। अरे भाई वो कौन होते हैं कसम देने वाले, जब हम स्वयं तुमसे कह रहे हैं तो। नहीं, आपको तो पता है ना, कोई आपकी कसम दे दे तो हम उसकी बात मान के ही रहते हैं। अंगूरी तुम बिना कसम से बहुत भोली हो। अगर कल को तुमसे कोई कहे कि अंगूरी तुम्हें लड्डू के भैया की कसम, तुम लड्डू के भैया का खून कर दो, क्या तुम कर दोगी? कसम रखने के लिए हम वो भी कर देंगे। ना ही करेंगे। भाभी जी गुड मॉर्निंग। हाँ भरभूति जी। भाभी जी आपकी वो तिलकधारी गाय आ गई है, बांध के आओ नुक्कड़ पे, चारा वारा खा रही है। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि वो गाय ज़रा शर्मीली है, आप दूर से पूजा कीजिएगा उसकी, तिलक मत लगाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी तिलक लगा हुआ है, इसको भगवान ने लगा के भेजा, तिलकधारी गाय है वो, यू नो। एक्चुअली ये गाय हासिल करने के लिए मैंने जो तकलीफें परेशानियां झेली हैं, मेरा दिल ही जानता है भाभी जी। अगर आप ना होती ना, गाय भेज दीजिए ना जी। अरे यार आ, आ बड़ा, आ जा, आ बड़ा, आ बड़ा, आ जा, आ जा बड़ा। दया अच्छा ना, लचक के चलो, लचक के, लचक लचक के, ये वहाँ से तिलकधारी गाय। अकैया जी सुनो, जगह अंदर कम है, बदतमीजी मत करो। अकैया जी रुक जाइए, अकैया जी, अकैया जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अभी जी आ गई, क्वाइट क्वाइट। अकैया ये तो तिलकधारी गाय है। अकैया जी गया जी, अभी अब जाइएगा मत, हम अभी आपको कुछ खाने के लिए लाते हैं। हाँ अभी लाते हैं, रुकिए। हाँ भाग भाग जी, भाग जी, भाग भाग। रुकिए अगया जी, अगया जी कहाँ जा रही है? अगया जी रुकिए, सारा बदतमीजी कर रहे हो तुम, आराम से। अगया जी, हाय दया जी, चले गए, ठीक है बाद में खिला देंगे। हाँ लेकिन ये भरभूति जी ने तो कमाल कर दिया, क्या बात है, ये सचमुच तिलकधारी गाय लेके आ गए कानपुर में। अच्छा तुम्हारा पति तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा ना? देखो पतियों का अटेंशन पाना बहुत आसान है, तुम्हें उनके लिए अवेलेबल ही नहीं रहना है। जैसे कि अगर वो सुबह ऑफिस जाते वक्त तुमसे कहे डार्लिंग मुझे प्लीज नाश्ता दे दो, तो तुम बड़े प्यार से उनसे कहो डार्लिंग अपने आप ले लो ना, मैं तो नहाने जा रही हूँ। जैसे रात में अगर वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे ना, तो तुम प्यार से बोलो प्लीज डार्लिंग सोने दो ना, सुबह जल्दी उठना है। फिर देखो
दस दिन ऐसा करने के बाद कैसे पति तुम्हें अटेंशन देता है? देखो मेरी बात समझो, जो मर्द होते हैं ना वो बेसिकली बेवकूफ होते हैं और उनसे अपना काम कराना बड़ा आसान होता है। ऑल मेन आर फूल्स। हाँ देखो आज के लिए इतने इंस्ट्रक्शंस बहुत हैं, मुझे रिजल्ट बताओ और फिर फोन करो, ठीक है? चलो बाय बाय। अरे तिवारी जी आप, माफ कीजिएगा भाभी जी, आज आपने हमें हर्ट कर दिया। अरे मैंने आपको कैसे हर्ट कर दिया तिवारी जी? भाभी जी आपने मर्दों को फूल्स कहा, फूल्स? अरे नहीं नहीं तिवारी जी, मैं आपको थोड़ी ना फूल बोल रही थी, एक्चुअली मैं तो आपकी गिनती मर्दों में करती नहीं हूँ जी। एक्चुअली बात यह है तिवारी जी कि मैं आपकी गिनती चालाक, शातिर, चालबाज ऐसे मर्दों में नहीं करती। तो फिर किस टाइप के मर्दों में करती हैं? मैं आपकी गिनती करती हूँ सीधे, सुलझे हुए, काइंड हार्टेड, स्वीट मर्दों में। भाभी जी आपने हमें स्वीट कहा। हाँ तिवारी जी ऑफ कोर्स, आप तो स्वीट ही हैं। भाभी जी आपके मुंह से निकला ये शब्द हमारे लिए किसी दुआ से कम नहीं है, जरा जरा फिर से ये शब्द दोहराएं, वो क्या है कि हमारी थोड़ी वो दिमाग की कमजोरी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर से शब्द दोहराइए ये वाला फिर से। देखिए तिवारी जी मैं इतनी बार आपको स्वीट बोलूंगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, इसलिए एक बार बहुत। अगर हमें डायबिटीज हो जाएगी तो फिर आप चिरायता चिरायता कहकर बुलाइएगा। चिरायता? हाँ वो कड़वा होता है ना, उसे डायबिटीज कंट्रोल रहती है। क्या तिवारी जी आप भी कहाँ से लेकर आते हैं। अच्छा ये बताइए लोटा लेकर कहाँ घूम रहे हैं? ओह भाभी जी आपको दरअसल गलत फहमी हो गई है, हमें दरअसल थोड़ा दूध चाहिए था। ओ दूध, आई एम सो सॉरी तिवारी जी, मेरे घर पे भी दूध नहीं है। एक्चुअली 2 किलो दूध आता है, 1 किलो तो विभू पी जाता है और 1 किलो का दही जमा दिया मैंने। है? मतलब अभी भी आपको दूध बाहर से मंगवाना पड़ता है? अभी भी से आपका क्या मतलब है? मतलब आपकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्या? क्या बोल रहे हैं तिवारी जी, मेरे पास कहाँ से गाय आएगी? आपके पास गाय नहीं है? अरे वो विभूति जी जो गाय खरीद कर लाए थे उसके विषय में आपको नहीं बताया? क्या बोल रहे हैं आप, विभू क्यों गाय खरीदेगा? अरे वो गाय खरीद कर लाए हैं, उन्होंने अंगूरी को बताया, बल्कि साक्षात दर्शन भी करवाए हैं। अच्छा अब विभू ने आपको कहा है कि उसने गाय खरीदी तो जरूर खरीद के लाया होगा, लेकिन विभू ने मुझे नहीं बताया। कोर्ट सक्सेना जी, सक्सेना जी आज का खेल यही खत्म हुआ जी, लेकिन कल सुबह हम दोबारा यही खेल खेलेंगे। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। I know, good. I like it. Good. पता है ये कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे सचमुच की गाय हूँ। अच्छा कहीं आपका दूध देने का मन तो नहीं कर रहा? नहीं भैया वो स्टेज तो नहीं आई अभी, लेकिन आ जाएगी। वैसे जाते समय ना वो मैदान में जो हरी हरी घास देखी ना तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी भैया। डोंट वरी, कल हम आपको 4 बार गार्डन घुमा लाएंगे, बहुत घास है वहाँ पे, जितना चाहिए उतना खा लीजिएगा। पक्का? I like it. अच्छा एक काम करते हैं जी भैया, अभी हम लोग चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे। ठीक ठीक, बैठ टाइम पे आ जाइएगा लेकिन। जी पक्का पक्का जी। Anu darling, I'm home. आ गए घर? कहाँ गए थे? कहीं नहीं है ऐसा। गाय चराने गए थे? अनु, तुम्हें शक्ल से मैं क्या गोला दिखाई देता हूँ, चरवाहा दिखाई देता हूँ? सुनने में तो यही आया है, चर्चा तो यही हो रही है हर जगह। तुम ये किस बेहुदा वाहियत आदमी ने ये खबर दी है? तिवारी जी ने मुझे सब बता दिया है। तिवारी जी खुद ग्वाले हैं। तिवारी जी ने मुझे बता दिया है कि तुमने गाय खरीदी है। What?
जी हाँ, तुमने गाय खरीदी है, ये बात मुझे अब पड़ोसियों से पता चल रही है। डिस्गस्टिंग बेबू। तुम किसकी बातों में आ रही हो यार? उस बेवकूफ आदमी की बातों में क्यों आ रही हो तुम? तो क्या तिवारी जी मुझे झूठ बोलेंगे? क्यों बोलेंगे वो मुझे झूठ? झूठ झूठ बहता है उनकी नसों में, रग रग में झूठ बहता है। He's a liar, compulsive liar, झूठा है वो आदमी। और मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? Come on, darling, use your common sense. मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे पास मुर्गे खरीदने के पैसे नहीं है, मैं गाय कहाँ से खरीदूंगा यार? As if I don't know. सरकार बेरोजगारों को पशुपालन के लिए लोन देती है, पता है मुझे। Excuse me? With so many degrees and this look, मैं पशुपालन करूंगा? Come on, give me a break. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग पशुपालन करते हैं। वो तुम्हारे रामघाट के हरि सिंह भाई साहब थे ना, उनके पास 12 बकरियां और 8 भैंसे थी, तबेला था। उनकी बात अलग है, उनकी बात बिल्कुल अलग है, बिकॉज वो अनपढ़ गमार थे, उनको वो सब सूट करता है। तो तुमने पढ़ लिख कर कौन से तीर मार लिए? अरे गाय भैंस का तबेला होता तो कम से कम कुछ पैसे तो घर में आते। अनु, लोग हंसेंगे मुझ पे, हंसेंगे। मैं जब गली से गुजरूंगा, लोग बोलेंगे देखो वो जा रहा है विभूतिया दूधिया। लोग मेरे बच्चे के हाथ पे लिख देंगे तुम्हारा बाप दूधिया है। अरे, 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 बच्चे कहां से आ गए बीच में अब इसमें? कम ऑन यार, अनु 100 बातों की एक बात है यार। मैंने गाय नहीं खरीदी है यार, गाय क्यों खरीदूंगा मैं यार? कसम खा मेरी की गाय नहीं खरीदी। तुम्हारी कसम, मैंने गाय नहीं खरीदी है, दमी खरीदी है। बस हैप्पी? अब मैं सांस ले लूं? तुम इतना भड़क क्यों रहे हो यार? कमाल है अनु यार, आदमी भूखा प्यासा बाहर से आया है, उससे ये पूछने के बजाय कि तुम कुछ खाओगे पियोगे, तुम ये भैया सवाल लेके बैठ गई हो यार। सॉरी माय स्वीटो, विभू भूख लगी है विभू को। सैंडविच खाएगा विभू? चीज सैंडविच खाएगा कि वेजिटेबल सैंडविच खाएगा? चीज। चलो जाओ फिर फटाफट किचन में जाओ, दो चीज सैंडविच बनाओ, एक अपने लिए एक मेरे लिए। चलो जाओ। अभी तुम कॉफी पियोगी? हाँ कॉफी ले आना, विदाउट शुगर। अनु तुम कितनी अच्छी हो यार। आई नो, आई लव यू। लव यू टू। सही पकड़े हैं। अब हरभूति जी, वो तिलकधारी गाय अभी यहाँ से गई और उनसे बात भी की है। हाँ, ये का मतलब हुआ? उसका मतलब ये है भाभी जी कि एक ठो गाय आप हैं, एक ठो गाय वो है। जब से उस गाय ने इस गाय को देखा है तो उस गाय को इस गाय से प्यार हो गया और उसने इस गाय को कहा कि हे गाय, आई लव यू। क्या बात कर रहे हैं? गैया जी हमको आई लव यू बोले? हाँ, बस आप ये कह दीजिए कि आई लव यू टू। गाय किधर है? ये गाय है, आई मीन मुझे आप गाय समझ लीजिए। आप तो बैल हैं। भाभी जी, हम गाय नहीं हो सकते तो क्या, लेकिन गाय तो हमारी है, वो गाय हमने खरीदी है। झूठ बोल रहे हैं आप, आप एक नंबर के झूठे हैं, झूठे। क्या मतलब है आपका? यही कि आपने कोई गाय नहीं खरीदी है। वो गाय हमने खरीदी है, हमने खरीदी है वो गाय। वो गाय आपने नहीं खरीदी है, हम भाभी जी से पता करके आ रहे हैं। गाय मैंने खरीदी है, अनु कैसे मालूम होगा? अरे आपके पास एक मुर्गी खरीदने तक के पैसे नहीं है, गाय क्या खाक खरीदेंगे? गाय को देखा है? हाँ। हमें भी दिखाओ, हम भी कर ले दर्शन। लेकिन वो पापियों से मिलना नहीं चाहती, वो तो गाय डिसाइड करेगी कि कौन पापी है और कौन धर्मात्मा। हमको तो दो बार दर्शन दिए है गाय। गर्मीये हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। और जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। अरे क्या
बात है तिवारी जी। बस भाभी जी अभी अभी बना है। बनाइए मत, ये पहले से बना हुआ है। मैं मजाक कर रहा था, वो जस्ट जोकिंग। मजाक कर लेते हैं आप तिवारी जी। जी भाभी जी, हम तो बहुत बड़े मजाकिया हैं। अच्छा जी। जी, जब हम पैदा हुए थे ना, तो हमारे पिताजी ने हमारी शक्ल देखकर हमारी अम्मा से कहा था, रामकली ये क्या मजाक है। लेकिन भाभी जी, ये गाय के मामले में हम मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं तिवारी, मैंने विभू से पूछा कि उसने गाय खरीदी, और उसने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा कि उसने गाय नहीं खरीदी। अरे भाभी जी, वो झूठ बोल रहे हैं। हमने अभी अभी उनसे पूछा कि भभूति जी आपने गाय खरीदी है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल खरीदी है। अरे उसने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा कि उसने गाय नहीं खरीदी है। और कॉमन सेंस की बात है ना तिवारी जी, उसके पास गाय खरीदने और रखने के पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ वैसे भी वो तो नल्ले हैं जी। नहीं मतलब हो सकता है कहीं से उन्होंने पैसे उधार लिए हो, कहीं से चोरी चकारी की हो। क्या बात कर रहे तिवारी जी, आप मेरे हस्बैंड विभू पर चोरी चकारी का इल्जाम लगा रहे हैं। भाभी जी, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं। तो आपका अनुमान सरासर गलत है। विभू ने मेरी कसम खाई है कि उसने गाय नहीं खरीदी है, और वो मेरी कसम कभी झूठी नहीं खा सकता। तो भाभी जी, हम भी आपकी कसम कभी झूठी नहीं खा सकते। हम आपकी कसम खा के कह रहे हैं कि उन्होंने गाय खरीदी है। अब आप क्या कहेंगे।